सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड रोहित हियर। तो यार देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी सारी बाइक्स है यार, इंडियन बाइक्स भी है, यहाँ देख सकते हो सुपर बाइक्स भी है, स्पोर्ट्स बाइक भी है। तो जी हाँ बिल्कुल गाइस, आपने सही समझा, हम फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए रैंप जंप टेस्ट। और इस वीडियो में यार काफ़ी सारी बाइक्स हैं, तो अभी हम इनको जंप कराएंगे यहाँ से। उससे पहले मैं आपको रैंप का एक फुल व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम अपनी बाइक को लेके आएंगे, यहाँ पर से पूरी फुल स्पीड में लेके जाएंगे और यहाँ से कराएंगे जंप। तो एक बार फिर से देख लो, ऐसे ही है पूरी हमारी रैंप, ऐसा सेटअप है। और ये देख लो, ये पॉइंट से लेके ये आगे यहाँ तक, ठीक है, जो भी बाइक यहाँ तक रीच करती है ना, वो इस टेस्ट को करेगी पास। प्लस एक ट्विस्ट और है, जो फाइनल विनर होगी ना, उसका पता हम लगाएंगे डिस्टेंस कवर से। जो बाइक सबसे ज़्यादा फ्लाई बाई करके डिस्टेंस कवर करेगी, वो होगी हमारी विनर। तो फिलहाल अभी हम टेस्ट करेंगे अपनी बुलेट को, क्योंकि यार बुलेट का इंडिया में काफ़ी अलग ही क्रेज़ है। तो फाइनली अपनी स्टार्ट कर ली है अपनी बुलेट को, और एक बर्नआउट मारते हुए यहाँ से लॉन्च करेंगे अपनी बुलेट को। तो फिर करते हैं लॉन्च, और ये देख सकते हैं यार काफ़ी ज़्यादा स्पीड है यार इस रैम को, काफ़ी अच्छे से मैंने बनाया है आपके लिए केवल। तो यार मेक श्योर, अगर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई है ना, तो लाइक ज़रूर करना। और देखो यार, क्या ये बुलेट पास कर पाएगी इस टेस्ट? तो मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि ये अभी गिरने वाली है। और यहाँ भाई काफ़ी ही ज़्यादा बुरी तरीक़ा से क्रैश किए हैं हम लोग, और भाई फ्रैंकलिन ये दो हड्डी टूटते हुए ऊपर चलते हैं फिलहाल। और अभी टेस्ट करेंगे अपनी R15 को। तो फिर अपनी R15 को ले लिया, और ये देख सकते हो और एक बर्नआउट मारते हुए चलो लॉन्च करते हैं। तो हो गई अपनी R15 भी लॉन्च, और यहाँ पर पूरी भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इस बाइक की भी। तो क्या ये क्रॉस कर पाएगी इस रिवर को? तो भाई देख रहे हो, एक्चुअली रिवर नहीं है, एक तरह का पॉन्ड बोल सकते हो। हाँ तो भाई, ओ भाई क्या ये जा पाएगी? तो भाई यार इसने भी कमाल कर दिया है यार, यामा की बाइक्स काफ़ी औसम होती है यार, मैंने चलाए हैं। तो देख सकते हो यार, इसने तो फिलहाल पास कर लिया है, बट ये फाइनल विनर नहीं है, क्योंकि अभी बाकी बाइक्स भी तो हैं। और ये रही अपनी 10R। तो भाई देख सकते हो इसकी एग्जॉस्ट मैंने चेंज किया है यार, कैसा लग रहा है इसका बुलेट का, तो फटाका आपको सुना नहीं पाया, कोई बात नहीं अगली वीडियो में। तो भाई लॉन्च कर दिया है अपनी ZX10R को, और यहाँ पर देखते हैं कितनी स्पीड होती है इसकी। और भाई उड़ा लिया है पूरा यार, भाई पूरी फ्लाई बाय ले रही है। तो देखते हैं क्या ये पहुँच पाती है कि नहीं। तो यहाँ पर यार इसने इस टेस्ट को पास तो कर लिया है, बट यार इसने यार काफ़ी डिसअपॉइंटिंग तरीक़ा से R15 V3 से भी पीछे यार, कहाँ वो 150 cc की बाइक, और एक नियरली 1000 cc की बाइक जो है यार, वो एक 150 cc की बाइक को भी नहीं हरा पाई। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अपनी लेती है RC390 को। तो यहाँ पर लॉन्च करते हैं, और ये हो गई लॉन्च। और भाई इसकी भी स्पीड काफ़ी सही है, बट मेरे को इससे ज़्यादा एक्सपेक्टिंग नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी बॉडी वेट जो भाई बहुत अजीब सा है, और इसको ड्राइव करने में भी इतना मज़ा नहीं आता। बट देखते हैं क्या ये पहुँच पाएगा। तो नहीं यार, क्योंकि मुझे पता है, जैसा मुझे लगा ही था, ये बीच में ही हार मान गई। तो कोई बात नहीं, फिलहाल चलते हैं ऊपर, और अभी टेस्ट करेंगे अपनी निंजा कावासाकी H2 को। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम अपनी H2 को लेकर, और एक फिर से इसके साथ ही बर्नआउट मारेंगे। और देख सकते हैं यार इसका एग्जॉस्ट क्या ही फायर थ्रो हो रहा है। तो भाई यहाँ पर लॉन्च कर लिया अपना H2 को, और यहाँ से निकालते हैं। भाई काफ़ी सही स्पीड है इसकी भी, और यहाँ उड़ा दिया है भाई अपनी H2 को। तो देखते हैं यार क्या ये पहुँच पाएगी, मेरे को लग रहा है ये पहुँच जाएगी। और ये भाई ये कैसे घूम रही है, और यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है निंजा की बाइक से क्या हो गया है। मतलब स्पीड तो काफ़ी अच्छी होती है इन बाइक्स की, निंजा की बाइक्स की, बट इनका जो फ्लाई बाई है वो काफ़ी ख़राब है। तो कोई बात नहीं, अभी हम H2R से करेंगे। नहीं नहीं गाइस, एक काम करते हैं हम लोग ना, हायाबूसा ले लेते हैं। हाँ हायाबूसा, क्योंकि यार निंजा की बाइक हम कम्प्लीटली 3 times टेस्ट कर लिया, तो एक बार हायाबूसा के लिए भी जो है कर लेते हैं रैम टेस्ट। और गाइस जो भी है इस
वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको हायाबुसा पसंद है तो एक कमेंट पे लिखो हायाबुसा। यार देखते हैं हायाबुसा वर्सेस निंजा बाइक कौन जीतता है। और भाई देख सकते हो क्या ये निंजा की बाइक को बीट कर पाएगी? तो भाई देख सकते हो यार, ओ भाई काफ़ी सही लैंड किया इसने। बट आपको जैसे ये पता है कि हायाबुसा का जो बाइक वेट है या फिर बोल दो बॉडी वेट, वो काफ़ी ज़्यादा है निंजा के बाइक से कंपेयर करोगे तो फिर बाइक को वहीं पर रखते हैं जहाँ इसने लैंड किया था। तो यहाँ पर इसने लैंड किया था, हाफ करते हैं अपनी H2R को। तो गाइस लेके आ चुका हूँ यहाँ पर फिर से, और फिर बर्नआउट मारते हुए फिर और एक बार लॉन्च करते हैं। और देख सकते हैं और काफ़ी सही बर्नआउट लग रही है इससे भी, तो फिर करते हैं लॉन्च। कर दिया लॉन्च और ओ ब्रो काफ़ी इसकी भी स्पीड उतनी अच्छी नहीं आ रही है रैम पे। आई थिंक ना निंजा की बाइक्स ना जो है वो रैम पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती, वो केवल स्पीड में अच्छा परफॉर्म करती है। क्योंकि यार देखो जितनी भी निंजा की बाइक यूज़ कर रहा हूँ ना, देखो भाई ये फिर भी डूब जाएगा यार। क्या है यार, मतलब निंजा की बाइक इतनी डिसअपॉइंटिंग कैसे हो सकती है? तो भाई जिसका आप वेट कर रहे थे वो आ चुकी है अपनी फाइनली प्यारी स्प्लेंडर। और भाई जंप कराते हैं यहाँ से, देखते हैं भाई अपनी इंडियन बाइक कैसा परफॉर्म करती है। भाई 300 की स्पीड क्रॉस कर ली, अरे भाई कसम से भाई एरोप्लेन ही बन गया है भाई स्प्लेंडर का। तो देख सकते हो पूरा एरोप्लेन बन चुका है। और भाई तो जैसा आपको लगा था और जैसा मुझे भी लग ही रहा था, तो अपनी स्प्लेंडर जो है वो फाइनली विनर बन चुकी है। और यार इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, अपनी निंजास की बाइक को भी इसने बीट कर दिया यार। काफ़ी सही बाइक है यार इसका चला के तो मज़ा ही आ गया। और गाइस अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो इसे ज़रूर से लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ एंड बाय बाय।